मुस्लिम लीग नून की कायद नवाज शरीफ का कहना है कि बेटे से तनख्वाह ना लेने पर एक वजीर आजम को निकाल दिया गया। साकिब निसार ने कहा था, हमने बानी पीटीआई को लाना है, नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। बहुत सब्र से हमने काम लिया है, बहुत कुछ फेस किया हमने, और माली जानी नुकसानात उठाए। ये कहना है साबिक वज़ीरे आज़म नवाज शरीफ का, जो इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं। नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क आमद पर लेगी कारकुनों ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुनों से गुफ्तगु करते हुए नवाज शरीफ ने एक शेर भी पढ़ा। गालिब हमें ना छेड़, फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए। नवाज शरीफ बोले, इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। नवाज शरीफ ने सियासी मुखालफीन पर तनकीद करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में इन लोगों की हुकूमत का 11वां या 12वां साल चल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम इन लोगों से नहीं पूछते, आपने हमारे सूबे के लिए क्या किया है। उन्होंने सिर्फ जो ना वो लोगों के अखलाक को बिगाड़ा है, लोगों के अंदर भुगत से खाया, लोगों के हसद से खाया लोगों को, और उन्होंने बदतमीजी का कल्चर सिखाया लोगों को। नवाज शरीफ ने कहा, हमने मुल्क को दफाई, इक्तसादी और माशी लिहाज से भी मजबूत किया है। हमने दफा के हवाले से पाकिस्तान को एक नाकाबले तस्खीर कुव्वत बनाया है। नवाज शरीफ ने कहा, आपने साकिब निसार की गुफ्तगु सुनी, उसने कहा कि हमने बानी पीटीआई को लाना है और नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखना है। उसकी ऑडियो लीक आज भी मौजूद है। आमिर इलियास राणा, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।